के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक नया सब्जेक्ट लेकर आए हैं, हेयर लॉस मेन यानी पुरुषों को कैसे होता है और क्यों होता है। हेलो सर। हेलो सर, ये पुरुषों में हेयर लॉस क्यों होता है? पुरुषों में ज्यादातर देखा कि जीनेटिक्स की वजह से, उनके वंश परंपरागत जो रीजंस हैं उनकी वजह से, उनके जीन्स की वजह से ये हेयर लॉस होता है। उनके मामा या नाना या दादा, काका या पापा, जिनको भी अगर गंजापन है तो वो जीन्स के द्वारा अपने में ट्रांसफर होता है। और फिर कुछ ना कुछ ट्रिगर फैक्टर, जैसे कि बुखार आ जाना या कोई बड़ी बीमारी होना, कोई बड़ा ऑपरेशन होना, या फिर कंटिन्यू स्ट्रेस का जैसे धंधा हो, उस टाइप का मेल्स को रहता है, तो वो ट्रिगर फैक्टर से उनका हेयर लॉस चालू हो जाता है। और वो हेयर लॉस उनका कंटिन्यू रहता है जब तक उनके पापा या काका, जिनकी वजह से उनका जेनेटिक्स आया है, उनकी इतना गंजापन ना हो जाए। सर, मेल में हेयर लॉस रोकने के लिए क्या क्या ट्रीटमेंट्स एलिगेंस क्लिनिक में अवेलेबल है? मेल्स का जो हेयर लॉस होता है, जेनेटिक्स होता है, माने उनकी वजह से चालू होता है। जैसे कि 14 साल पे दाढ़ी आना एक बायोलॉजिकली क्लॉक डिसाइडेड है कि भाई अपने आप ही हार्मोन चेंज होके दाढ़ी चालू हो जाती है। वैसे एक बायोलॉजिकल क्लॉक डिसाइडेड है कि इतने साल में ये आदमी गंजा हो जाएगा। वो क्लॉक को आप डिले कर सकते हैं, रोक नहीं सकते। तो हेयर लॉस के लिए सप्लीमेंट्स आते हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे सप्लीमेंट्स हैं जो आपके हेयर लॉस को रोक सकते हैं, आपकी थिनिंग को रोक सकते हैं। और इसके अलावा इसमें मेनोक्सिडिल और फिनेसिटाइड ड्यूटेस्टेरॉन जैसी दवाइयां भी आती हैं। इसके अलावा एलिगेंस क्लिनिक में पीआरपी जो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा है, मीजोथेरापी, ये जो इंजेक्शन रेडीमेड आते हैं, और लेजर हेलमेट, ये सभी चीजें अवेलेबल हैं। जिनका हेयर लॉस टोटल हो चुका है, इनके लिए हेयर ट्रांसप्लांट भी हम यहाँ पे करते हैं। लेकिन अगर हेयर लॉस की बात की जाए तो जिनके बाल बहुत ही गिर रहे हैं, उनकी एक हमारे पास बहुत ही डिटेल्ड क्वेश्चनरी है कि जिसमें से आपको किस रीजन से हेयर लॉस हो रहा है वो हम फाइंड आउट करते हैं। और भले ही आपके जीनेटिक्स में लिखा है कि भाई बहुत सारा गंजापन होने वाला है, लेकिन आपकी एक्टिव एज है, आपकी मैरिज की एज है, आपका बिजनेस जमाने की एज है, तब तक आपके बाल अच्छे से टिके रहे हैं, उतना आप मेडिकल थेरेपी से भी कर सकते हैं। मेडिकल थेरेपी का एक ही डिसएडवांटेज है कि जब तक आप ये करते हैं तब तक ही वो रिजल्ट देता है, और जहां पे आपके थोड़े से भी बाल हैं, पतले हैं फिर भी, तो उनको ये रिजल्ट देता है। जहां पे गंजापन है वैसे हेयर लॉस में मेडिसिन या नॉन सर्जिकल थेरेपी मदद नहीं करती, उसके लिए आपको हेयर ट्रांसप्लांट ही करना पड़ता है। सर, पुरुषों में हेयर लॉस के बारे में और कुछ आप बताना चाहेंगे? पुरुषों में जब हेयर लॉस होता है तो उनके बाल फीमेल्स की तरह ऐसे पूरे पूरे 10 बाल निकल गए, 50 बाल निकल गए, ऐसे नहीं निकलते हैं। उनके बाल, जो बाल पहले मोटे थे, वो पतला होते 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 धीरे धीरे वो बाल का रूट मर जाता है, माने वहां पे कभी भी बाल उग नहीं सकता है। तो इसलिए पुरुषों को जो जेनेटिक हेयर लॉस हो रहा है, उसके लिए पहले से ही जब हेयर लॉस चालू हो या आपको ऐसा लगे कि मेरे ये साइज अंदर जा रहे हैं, उसी समय से अगर सप्लीमेंट लिया जाए तो आप अपने बालों को काफी हद तक अच्छी तरीके से लंबे समय तक बचा सकते हैं। अगर आपने अपने बालों को लॉस कर लिया है तो आप उसको हेयर ट्रांसप्लांट करके भी काफी अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। हेयर लॉस के रिजल्ट्स पुरुषों में कब तक पाए जाते हैं? हेयर लॉस के लिए जब हम सप्लीमेंट्स या नॉन सर्जिकल मेथड करते हैं तो रिजल्ट आने के हेयर लॉस रुकने के लिए करीबन आपको 2 महीने जैसा समय लगता है, और अच्छा ग्रोथ दिखने के लिए मिनिमम 6 मंथ्स का समय लगता है। और ये काफी सारे यंग लोगों को बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसमें मिलता है। थैंक यू सर। हेयर लॉस के बारे में आज हमने डॉक्टर आशुतोष सर से काफी अच्छी माहिती सुनी। आप ऐसी ही माहिती सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपने अपना अमूल्य समय निकाल के ये वीडियो देखा, इसलिए धन्यवाद।